नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोविड और ओमिक्रॉन संक्रमण से सावधान रहने का आग्रह किया। कहा, स्वजागरूकता और स्व अनुशासन ही कोविड के नए स्वरूप के खिलाफ लड़ाई की ताकत है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की बहादुरी को याद किया, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद निधन हो गया था। श्री मोदी ने छात्रों और शिक्षकों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। वर्ष के अंतिम मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के डॉ कुरेला विट्ठलाचार्य, सर्बियाई विद्वान डॉ मोमिर निकिच, भंडारकर ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान और साफ वाटर स्टार्टअप का उल्लेख किया तथा सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी। देश में अब तक 1,41,37,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। भारत में ओमिक्रॉन के 422 संक्रमितों का पता चला, 130 मरीज स्वस्थ हुए। 15 से 18 साल के किशोरों के लिए कोविड टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू होगा। असम में आज से रात का कर्फ्यू लगेगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के श्री गुफवाड़ा इलाके में मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। नोबेल पुरस्कार विजेता और रंगभेद विरोधी प्रचारक डेसमंड टूटू का निधन। और क्रिकेट में भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच सेंचुरियन में जारी। दोपहर समाचार में नीलम बलकानिया के साथ मैं विशाल शर्मा। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड और ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ाई में किसी तरह की कोताही न बरतें। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का अध्ययन कर रहे हैं और हर रोज नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। नए वेरिएंट से संघर्ष में देश के लोगों की स्वजागरूकता और स्व अनुशासन की शक्ति का महत्व उजागर हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रयासों के कारण ही हम इस महामारी पर काबू पाने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व के अन्य देशों से तुलना करने पर हमें भारत के टीकाकरण के आंकड़ों पर गर्व होता है। आज विश्व में वैक्सीनेशन के जो आंकड़े हैं, उनकी तुलना भारत से करें तो लगता है कि देश ने कितना अभूतपूर्व काम किया है, कितना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। वैक्सीन की 140 करोड़ डोज के पड़ाव को पार करना प्रत्येक भारतवासी की अपनी उपलब्धि है। ये प्रत्येक भारतीय का व्यवस्था पर भरोसा दिखाता है, विज्ञान पर भरोसा दिखाता है, वैज्ञानिकों पर भरोसा दिखाता है और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभा रहे हम भारतीयों की इच्छा शक्ति का प्रमाण भी है। प्रधानमंत्री ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को याद किया, जिनकी तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद मृत्यु हो गई थी। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, नभः स्पृशं दीप्तम, यानी गर्व के साथ आकाश को छूना। ये भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य भी है। माँ भारती की सेवा में लगे अनेक जीवन हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ऐसा ही एक जीवन रहा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का। वरुण सिंह उस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे जो इस महीने तमिलनाडु में हादसे का शिकार हो गया। उस हादसे में हमने देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत कई वीरों को खो दिया। वरुण सिंह भी मौत से कई दिन तक जाबाजी से लड़े, लेकिन फिर वो भी हमें छोड़कर चले गए। इस साल अगस्त में ही उन्हें शौर्य चक्र दिया गया था।
इस सम्मान के बाद उन्होंने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक चिट्ठी लिखी थी। वरुण ने लिखा था कि अगर वो एक भी स्टूडेंट को प्रेरणा दे सके तो ये भी बहुत होगा, लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा उन्होंने पूरे देश को प्रेरित किया है। उनका लेटर भले ही केवल स्टूडेंट से बात करता हो, लेकिन उन्होंने हमारे पूरे समाज को संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वे परीक्षा पे चर्चा का आयोजन करेंगे और इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण 28 दिसंबर से शुरू होंगे। हर साल मैं ऐसे ही विषयों पर विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा करता हूं। इस साल भी एग्जाम से पहले मैं स्टूडेंट्स के साथ चर्चा करने की प्लानिंग कर रहा हूं। इस कार्यक्रम के लिए दो दिन बाद 28 दिसंबर से mygov.in पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रहा है। ये रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ऑनलाइन कॉम्पिटिशन भी आयोजित होगा। मैं चाहूंगा कि आप सब इसमें जरूर हिस्सा लें। आपसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा। हम सब मिलकर परीक्षा, करियर, सफलता और विद्यार्थी जीवन से जुड़े अनेक पहलुओं पर मंथन करेंगे। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के डॉक्टर कुरेला विठलाचार्य की भी चर्चा की। वे बचपन से एक बड़ा पुस्तकालय स्थापित करने का सपना देख रहे थे। 84 वर्षीय विठलाचार्य ने यह सिद्ध कर दिया कि बात सपने पूरे करने की हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। श्री मोदी ने कहा कि यदाद्री भुवनागिरी जिले के रमन्नापेट मंडल के इस पुस्तकालय में करीब 2 लाख ग्रंथ हैं। श्री मोदी ने कहा कि किताबें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती हैं बल्कि व्यक्तित्व भी संवारती हैं। प्रधानमंत्री ने पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान का उल्लेख करते हुए कहा कि इस संस्थान ने विदेश के लोगों को महाभारत के महत्व से परिचित कराने के लिए एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये कोर्स भले अभी शुरू किया गया है, लेकिन इसमें जो कंटेंट पढ़ाया जाता है उसे तैयार करने की शुरुआत 100 साल से भी पहले हुई थी। जब इंस्टीट्यूट ने इससे जुड़ा कोर्स शुरू किया तो उसे जबरदस्त रिस्पांस मिला। मैं इस शानदार पहल की चर्चा इसलिए कर रहा हूं ताकि लोगों को पता चले कि हमारी परंपरा के विभिन्न पहलुओं को किस प्रकार मॉडर्न तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। 7 समंदर पार बैठे लोगों तक इसका लाभ कैसे पहुंचे, इसके लिए भी इनोवेटिव तरीके अपनाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने 70 वर्ष की आयु में संस्कृत सीखने वाले सर्बिया के विद्वान मोमिर निकिच का उल्लेख किया, जिन्होंने एक द्विभाषी संस्कृत सर्बियाई शब्दकोश का संकलन किया है। इस शब्दकोश में 70,000 से अधिक संस्कृत शब्दों का सर्बियाई भाषा में अनुवाद किया गया है। श्री मोदी ने मंगोलिया के 93 वर्षीय प्रोफेसर गेंडे धर्म का भी जिक्र किया, जिन्होंने पिछले 4 दशकों के दौरान भारत के लगभग 40 प्राचीन ग्रंथों का मंगोलियाई भाषा में अनुवाद किया है। प्रधानमंत्री ने गोवा के सागर मुले के प्रयासों की भी सराहना की, जो सदियों पुरानी कावी चित्रकला को विलुप्त होने से बचाने में लगे हैं। कावी चित्रकला भारत के प्राचीन इतिहास को अपने आप में समेटे हैं। दरअसल काव का अर्थ होता है लाल मिट्टी। प्राचीन काल में इस कला में लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। गोवा में पुर्तगाली शासन के दौरान वहां से पलायन करने वाले लोगों ने दूसरे राज्यों के लोगों का भी इस अद्भुत चित्रकला से परिचय कराया। समय के साथ ये चित्रकला लुप्त होती जा रही थी, लेकिन सागर मुले जी ने इस कला में नई जान फूंक दी है। उनके इस प्रयास को भरपूर सराहना भी मिल रही है। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में लोगों द्वारा एक वर्ष से चलाए जा रहे अनूठे अभियान पर प्रकाश डाला, जिसे अरुणाचल प्रदेश एयरगन सरेंडर अभियान कहा गया। इस अभियान में लोग स्वेच्छा से अपनी एयर गनों को वापस जमा करा रहे हैं ताकि राज्य में पक्षियों के अंधाधुंध शिकार को रोका जा सके। स्वच्छ भारत के बारे में श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छता का ये संकल्प अनुशासन, सजगता और समर्पण से ही पूरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें साफ वाटर नाम से एक स्टार्टअप के बारे में पता चला है, जिसे कुछ युवाओं ने शुरू किया है। ये स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट के माध्यम से लोगों को अपने क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता से संबंधित जानकारी देता है। श्री मोदी ने कहा कि इस स्टार्टअप को वैश्विक पुरस्कार मिला है। श्री मोदी ने सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी और उन्हें याद दिलाया कि उन्हें देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है।
हमारे सपने ऐसे होंगे जिनसे हमारे समाज और देश का विकास जुड़ा हो, हमारी प्रगति से देश की प्रगति के रास्ते खुले, और इसके लिए हमें आज ही लगना होगा, बिना एक क्षण गवाए, बिना एक कण गवाए। मुझे पूरा भरोसा है इसी संकल्प के साथ आने वाले साल में देश आगे बढ़ेगा और 2022 एक नए भारत के निर्माण का स्वर्णिम पृष्ठ बनेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। तेलंगाना के वानपर्ती जिले के कोताकोटा के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने आज मन की बात कार्यक्रम में उठाए गए मुद्दों पर प्रसन्नता व्यक्त की है। कृष्णा वेणी को लोकहित में 2,00,000 पुस्तकों की लाइब्रेरी बनाने वाले के विट्ठलाचार्य के बारे में जानकर खुशी हुई। ज्योति ने क्षण और कण के बारे में प्रधानमंत्री की व्याख्या पर प्रसन्नता व्यक्त की। मैं जी ज्योति कोताकोटा से हूँ। प्रधानमंत्री जी, क्षण और कण के बारे में बताया गया है, उसके बारे में मैं बहुत ही खुश हूँ और उसके बारे में हमें बहुत प्रोत्साहन मिली है कि एक क्षण हमें हमारा गंवाना नहीं चाहिए और कण कण से कैसे हम हमारी मंजिल बना सकते हैं उससे भी हम बहुत सारे सीख सकते हैं। 2,00,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह करने वाले कुरेला विट्ठलाचार्य ने मन की बात कार्यक्रम में इस जानकारी को शामिल किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। श्री विट्ठलाचार्य की सुपुत्री सरस्वती ने भी इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि समाज के प्रति उनके पिता के प्रयास को राष्ट्रव्यापी स्वीकृति मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबके प्रयास से हो रहा है राष्ट्र निर्माण, जिसमें इनकम टैक्स है आपका योगदान। और जब ई फाइलिंग से हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न भरना इतना आसान, तो फिर देर क्यों करें? 31 दिसंबर 2021 या उससे पहले www.incometax.gov.in पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई फाइल करना ना भूलें। समय से इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर रिफंड्स भी जल्दी आ जाते हैं, लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, लोन और वीजा एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग में भी ITR सहायक है। नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं, तो फिर आप भी समय ना गवाएं, आज ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ई फाइल करें। अधिक जानकारी और रिटर्न फाइल करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 1,41,37,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कल कोविड के करीब 7,000 नए मरीजों का पता चला। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 66,19,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक राज्यों को कोविड वैक्सीन की 1,48,37,00,000 से अधिक डोज उपलब्ध कराई गई हैं। देश में अब तक 422 लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 108 रोगी महाराष्ट्र में, 79 दिल्ली में, 43 गुजरात में और 41 तेलंगाना में मिले हैं। अब तक 130 रोगी ओमिक्रॉन संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू किए जाने की घोषणा की है। राष्ट्र के नाम संबोधन में कल रात उन्होंने कहा कि इससे न केवल कोविड के खिलाफ देश का संघर्ष मजबूत होगा, बल्कि स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों की स्वास्थ्य रक्षा में भी मदद मिलेगी।
अग्रणी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए कोरोना के एहतियाती वैक्सीन की व्यवस्था करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वागत किया है। एसोसिएशन के डॉक्टर अरिजीत ने कहा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए टीके उपलब्ध कराने में एसोसिएशन हर प्रकार से सहयोग देना जारी रखेगा। Yesterday was a great day for India so far as fight against COVID is concerned. Our beloved Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, declared about the vaccination of 15 to 18 years old and booster dose for healthcare and frontline workers and 60 plus with comorbid condition. This will go a long way and will add to our arsenal to fight against COVID and more so with the looming of Omicron, which is everybody expecting to come as a third wave. I do sincerely hope that this will be a major step to curb the third wave and the fear of Omicron over India. महाराष्ट्र में विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने अगले महीने की 3 तारीख से 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू करने की प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा का स्वागत किया है। श्री फडणवीस ने कहा कि बच्चों को वैक्सीन लगाना बहुत उपयोगी होगा ताकि ये बच्चे ओमिक्रॉन से बच सकें। भारत बायोटेक के कोविड कोवैक्सीन को 12 से 18 वर्ष के बच्चों में आपात उपयोग की अनुमति मिल गई है। भारत बायोटेक ने कहा कि कोवैक्सीन को इस तरह तैयार किया गया है कि वयस्कों और बच्चों में इसकी समान डोज लगाई जा सकती है। असम सरकार ने कोविड संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए आज से पूरे राज्य में रात 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। कर्फ्यू 31 दिसंबर को प्रभावी नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोविड और ओमिक्रॉन संक्रमण से सावधान रहने का आग्रह किया। कहा, स्व जागरूकता और स्व अनुशासन ही कोविड के नए स्वरूप के खिलाफ लड़ाई की ताकत है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की बहादुरी को याद किया, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद निधन हो गया था। श्री मोदी ने छात्रों और शिक्षकों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। वर्ष के अंतिम मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के डॉ कुरेला विठलाचार्य, सर्बियाई विद्वान डॉ मोमो निकिच, भंडारकर ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान और साफ वाटर स्टार्टअप का उल्लेख किया और सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी। देश में अब तक 1,41,37,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। भारत में ओमिक्रॉन के 422 संक्रमितों का पता चला, 130 मरीज स्वस्थ हुए। 15 से 18 साल के किशोरों के लिए कोविड टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू होगा। असम में आज रात से कर्फ्यू लगेगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के श्री गुफवाड़ा इलाके में मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। नोबेल पुरस्कार विजेता और रंग भेद विरोधी प्रचारक डेसमंड टुटू का निधन हो गया। और क्रिकेट में भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच सेंचुरियन में जारी। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने कल रात एक आतंकी को मार गिराया। ये आतंकी एक सहायक पुलिस उपनिरीक्षक की हाल में हुई हत्या में शामिल था। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग जिले के श्री गुफवारा इलाके में एक मुठभेड़ में आतंकी को ढेर कर दिया। पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि आतंकी की पहचान अनंतनाग के करीपुरा इलाके से फहीम भाट के रूप में की गई है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने में मदद करने वाले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आर्क बिशप डेसमंड टुटू का निधन हो गया है। वे 90 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्क बिशप डेसमंड टुटू के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि आर्क बिशप विश्वभर में असंख्य लोगों के लिए मार्गदर्शक थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण ही खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144-04 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी, जागो ग्राहक जागो।
ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। छब्बीस दिसंबर महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद ऊधम सिंह की जयंती है। 1899 में पंजाब के संगरूर जिले में जन्मे ऊधम सिंह का मूल नाम शेर सिंह था। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में बड़े होने के बाद वो पंजाब में राजनीतिक घटनाओं जैसे 1914 की कामागाटा मारू घटना और गदर पार्टी के गतिविधियों से अत्यंत प्रभावित थे। 1919 में जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर का पागलपन देखा तो ऊधम सिंह 20 साल के थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और ऊधम सिंह ने बदला लेने का संकल्प ले लिया। भगत सिंह की गतिविधियों से प्रभावित होकर वो 1924 में गदर पार्टी में शामिल हो गए। अगले कुछ वर्ष तक उन्होंने विदेश यात्रा की और औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय क्रांतिकारियों को विदेशों में संगठित किया। इस दौरान ऊधम सिंह माइकल ओड्वायर की हत्या की योजना बना रहे थे। पगड़ी संभालो पगड़ी संभाल तेरा लुट गया माल ओए पगड़ी संभाल जट्टा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 20 साल बाद ऊधम सिंह ने 14 मार्च 1940 को लंदन में एक बैठक में माइकल ओड्वायर को गोली मारकर अपना वायदा पूरा कर दिया। माइकल ओड्वायर जलियांवाला बाग की घटना के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ड्वायर की हत्या ने ब्रिटिश अधिकारियों को झकझोर कर रख दिया। मुकदमे के दौरान जब उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, तो ऊधम सिंह ने अपनी मुट्ठी हवा में बंद कर ली और जोर से चिल्लाने लगे। इसके तुरंत बाद उन्हें उत्तरी लंदन के पेंटोविल जेल में लाया गया जहां उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई। हमार देशेर माटी तुमार पौधे ठकाई माथा। 26 दिसंबर को बीना दास के पुण्यतिथि भी है। बीना दास पश्चिम बंगाल की एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने बंगाल के तत्कालीन गवर्नर की हत्या करने का प्रयास किया था। चौबीस अगस्त 1911 को कृष्णानगर में जन्मी बीना के पिता बीनी माधव दास कटक में शिक्षक थे। सुभाष चंद्र बोस उनके छात्रों में से एक थे। उनकी माँ सरला देवी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। कम उम्र में बीना दास कोलकाता में महिलाओं के लिए एक अर्ध क्रांतिकारी संगठन में शामिल हो गईं। उनकी एक सहेली सुहासिनी गांगुली थी जिन्होंने उनका परिचय बंगाल क्रांतिकारी पार्टी से कराया। तभी बीना ने बंगाल के राज्यपाल की हत्या करने का फैसला किया। उस समय बीना कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई कर रही थी। 6 फरवरी 1932 को बीना दास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह हॉल में कपड़े के नीचे एक रिवॉल्वर छिपाकर चली गई। उसने गवर्नर जैक्सन पर 5 गोलियां चलाई। 21 साल की उम्र में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 9 साल की सजा सुनाई गई। ब्रिटिश सरकार ने उनका स्नातक प्रमाण पत्र भी जब्त कर लिया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आजादी के बाद उन्होंने साथी स्वतंत्रता सेनानी ज्योतिष भौमिक से शादी की।
बाद के वर्षों में उन्होंने एक पेशे के रूप में अध्यापन को अपनाया, लेकिन पेशेवर रूप से उन्हें नुकसान हुआ क्योंकि उनके पास स्नातक प्रमाण पत्र नहीं था। सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के लिए उन्हें 1960 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अपने पति के मृत्यु के बाद वे ऋषिकेश चली गईं। उन्होंने अपना शेष जीवन स्वतंत्रता सेनानियों को सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले हर तरह के पेंशन से इनकार करते हुए बिताया। 1986 में एकांत और गुमनामी में उनकी मृत्यु हो गई। 2012 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रोके जाने के लगभग 80 साल बाद बीना दास को प्रीतिलता वड्डेदार के साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा मरणोपरांत स्नातक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। हम धरती की इस वीर बेटी को सलाम करते हैं। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच सेंचुरियन में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 56 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का दौरा करेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आकाशवाणी को विशेष बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 4 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं और हम देवभूमि हिमाचल की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। और ये कार्यक्रम हमारा मंडी में रखा है, जिसको हम छोटी काशी बोलते हैं, तो बड़ी काशी से छोटी काशी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार ये होगा जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ आकर के लगभग 11,300 करोड़ रुपए के विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन करेंगे, जिसमें हमारे साबड़ा कुट्टू एक प्रोजेक्ट है बिजली का 111 मेगावाट का, वो बन करके तैयार हुआ है, का उद्घाटन होगा। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा लूरी स्टेज 1 है, उसका शिलान्यास होगा। तीसरा हमारा धौलासिद्ध है, उसका शिलान्यास होगा। और चौथा प्रोजेक्ट रेणुका जी डैम का आधारशिला रखने का है, इसका भी शिलान्यास होगा। और रेणुका जी डैम जो है ये हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 6,700 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। अब एक नज़र आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। चेन्नई में हल्का कोहरा रहेगा। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। उत्तर में जम्मू और श्रीनगर में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की भी संभावना है। गिलगित और लेह में वर्षा या हिमपात हो सकता है। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में इम्फाल, ईटानगर, शिलंग, कोहिमा, अगरतला और गंगटोक में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 17 से 23 दिसंबर तक आयोजित रोजगार मेलों में 30 प्रमुख क्षेत्रों के उद्योगपतियों ने भाग लिया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इनका आयोजन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना कार्यक्रम के अंतर्गत किया था। विश्व की सबसे बड़ी और शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन को ब्रह्मांड और सौर मंडल से परे पृथ्वी जैसे ग्रहों की उत्पत्ति पर महत्वपूर्ण खोजों के लिए सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया है। नासा की प्रमुख अंतरिक्ष वेधशाला ने क्रिसमस के दिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोविड और ओमिक्रॉन संक्रमण से सावधान रहने का आग्रह किया। कहा, स्वजागरूकता और स्वअनुशासन ही कोविड के नए स्वरूप के खिलाफ लड़ाई की ताकत है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की बहादुरी को याद किया, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद निधन हो गया था। श्री मोदी ने छात्रों और शिक्षकों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। वर्ष के अंतिम मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के डॉ कुरेला विट्ठलाचार्य, सर्बियाई विद्वान डॉ मोमिर निकिच, भंडारकर ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान और साफ वाटर स्टार्टअप का उल्लेख किया तथा सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी। देश में अब तक 1,41,37,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। भारत में ओमिक्रॉन के 422 संक्रमितों का पता चला, 130 मरीज स्वस्थ हुए। 15 से 18 साल के किशोरों के लिए कोविड टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू होगा।
असम में आज से रात का कर्फ्यू लगेगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के श्री गुफवाड़ा इलाके में मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच सेंचुरियन में जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।